नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BM जॉब अलर्ट। मैं हूं विप्लव। आज हम बात करने वाले हैं GRSE लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिस निकल चुका है। जो लोग ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट पास हुए हैं उनके लिए अप्रेंटिस निकल चुका है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके तरह से नई नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं GRSE लिमिटेड अप्रेंटिस ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस 2022 ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। पोस्ट डेट आप देख सकते हैं 16/7/2022 को निकल चुका है। टोटल वैकेंसी 249 है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड हैज़ गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस वैकेंसी। दोज हु कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कम्प्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16/7/2022 को स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 5/8/2022 को ख़त्म हो जाएगा। एज लिमिट आप देख लीजिए, मिनिमम एज 14 है, मैक्सिमम एज लिमिट 20 है। एज रिलैक्सेशन भी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी डिटेल्स, जो कि ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास जो लोग हुए हैं, ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास फ्रेशर्स, ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो लोग डिग्री पास हुए हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो लोग डिप्लोमा पास हुए हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 163, 40, 16, 30, इतने ही पोस्ट निकले हुए हैं। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मैं दे दूंगा, लॉगिन लिंक भी दे दूंगा, नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम GRSE लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है अप्रेंटिस के लिए, वो निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट लिखा हुआ है। अप्रेंटिस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस एक्स ITI जो लोग टोटल पोस्ट 163 है, तो उनके लिए यहाँ पे डिजिग्नेटेड ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। लीडर्स ITI NTC ट्रेड यहाँ पे लिखा है बीच में, और प्लेसमेंट राइट साइड में लिखा हुआ है। ड्यूरेशन 12 मंथ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज लिमिट आप देख सकते हैं 14 इयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 25 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी SC ST OBC PH के लिए अवेलेबल है। ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर्स जो कि 40 पोस्ट है, फिटर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन पाइप फिटर मैकेनिस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल है। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेशन 12 मंथ है। टेक्नीशियन जो लोग डिप्लोमा पास हुए हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, SC के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, KGET सेक्शन में जाएंगे, www.grse.in में आप जाएंगे, और नहीं तो https://jobapply.in/grse2022app को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करना चालू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लोग फ्रेशर्स है उनके लिए 6,000 रुपीज़ उनका स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा,
एक से ITI लो है, जो ITI पास कर चुके हैं उनके लिए 7,000 से 7,700 के लिए स्टाइपेंड है, ग्रेजुएट के लिए 15,000 है, डिप्लोमा लोगों के लिए 10,000 एंड 9,000 अप्रेंटिस है। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट को जहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, ये रहा उनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, आप अगर यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया है, उसके बाद ये वाला इंटरफेस निकल चुका है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासिंग अप्लाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हो चुका है। ठीक है, अभी हम प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है, यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, पोस्ट फॉर अप्लाइड यहाँ पे सबमिट करके हम अप्लाई करेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने सबमिट कर लिया है, तो यहाँ पे ये वाला एक्शन स्टेटस आ चुका है, फिल एप्लीकेशन, अपलोडिंग ऑफ फोटो, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, सबमिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक दोस्तों, फिल एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सब कुछ फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे NATS एनरोलमेंट नंबर आ रहा है, तो हम लोग NATS एनरोलमेंट निकालेंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है NATS का। ठीक है, NATS प्रोफाइल का ये वाला मेरा ID है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा इसको। ठीक है दोस्तों, मैंने पेस्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा डिटेल्स भर लिया है। ठीक है, ये है मेरा नाम, NATS रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, रीजन कोलकाता है, मैंने सब कुछ भर लिया है डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज सब कुछ लिख लिया है, तो यहाँ पे सेव एंड पर्सनल ब्लर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अपलोडिंग फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, PDF अपलोड करेंगे उसको PDF कन्वर्ट करके अप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों, सबमिट एप्लीकेशन कर देना, उसके बाद प्रिंट कर लेना, इतना ही है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चले, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।